So we were discussing about the functional groups, right? Till acid we discussed yesterday, and today it is acid chloride, जिसको आप acyl chloride भी कहते हो या alkanoil chloride भी कहते हो, ठीक है? तो किसी भी name से आपको पूछ सकते हैं. और जैसे हम बाकियों का general formula कर रहे हैं, what is the general formula for this? It is R C double bond O C L, ठीक है? R C O C L. अभी हम सारे एसिड के डेरिवेटिव करेंगे, जैसे आर सी ओ ओ एच था, एस्टर्स भी करते हैं, एस्टर्स शुरू किया था कल हमने. चलो पहले ये कर लो, फिर मैं करवा देती हूँ, एस्टर कर लो. आर सी ओ सी एल, दिस इज एसिड क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड और एल्केनॉइल क्लोराइड, ठीक है? इसका सबसे पहला डेरिवेटिव क्या है? R की जगह हम H लगा देते हैं, CO Cl, ठीक है? R की जगह हम क्या लगा देंगे? H लगा देंगे, then CO Cl. और इसका नाम क्या है? इसके अकॉर्डिंग हमने इसका नेम करना है, मिथेनॉइल क्लोराइड, राइट? मिथेनॉइल क्लोराइड. और कल मैंने जब आपको एसिड का करवाया था, तो सबसे पहला एसिड या एसिटैल्डिहाइड कौन सा था? जब हमने कल एसिड किया था, सबसे पहले एसिड, उससे पहले कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है? उसी तरह ही इसका अगर आप कॉमन नेम लिखोगे, सो इट विल बी फॉर्माइल क्लोराइड, ठीक है जी? ये आईयूपीएसी नेम हो जाता है मिथेनॉइल क्लोराइड, और इसका कॉमन नेम हो जाएगा फॉर्माइल क्लोराइड. सिमिलरली दूसरे डेरिवेटिव का बताओ, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एल का. हाँ जी, इसका बताइए बेटा. इथेनॉइल क्लोराइड और कॉमन नेम, हाँ, एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है? आइल ग्रुप लगा देना हमने, एसिटाइल क्लोराइड, ओके? मिथेनॉइल क्लोराइड एंड एसिटाइल क्लोराइड, क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट राइट डाउन. हाँ जी, कुछ नहीं है बेटा, इसमें सी एच सी ओ सी एल, आर की जगह मैंने पहले एच लगाया, फर्स्ट कार्बन है, एक कार्बन है, तो हम मिथ लगाते हैं. इसकी अकॉर्डिंग एल्केनॉइल क्लोराइड है ना, एल्केनॉइल क्या क्या है हमारा एल्काइल ग्रुप, क्या है? मिथ है, तो मिथेनॉइल क्लोराइड बन गया. कल हम जब ने एसिड किया था, तो एसिड में मैंने आपको पहला एसिड बताया था फॉर्मिक एसिड, एल्डिहाइड किया था फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है? तो उसी से ही जो नेम है हम आगे लेके जा रहे हैं, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड, दिस इज फॉर्माइल क्लोराइड एंड दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, ठीक है? और अगर आप इसका आईयूपीएसी नेम देखोगे, इट विल बी इथेनॉइल क्लोराइड, इट विल बी इथेनॉइल क्लोराइड, क्लियर, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट लिखो डेरिवेटिव, एस्टर्स, राइट डाउन द नेक्स्ट डेरिवेटिव, एस्टर्स. जब हम एसिड लिखते हैं, वी राइट आर सी ओ ओ एच, जब हम एसिड लिखते हैं, आर सी ओ एच लिखते हैं, इस एच को एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, आइदर इट कैन बी सेम और डिफरेंट, ठीक है? इस एल्काइल ग्रुप को, इस एच को एक एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दो, दैट इज गोइंग टू गिव यू द फॉर्मूला ऑफ एस्टर, ओके? अब अगर मैं आर की जगह सी एच थ्री लिखती हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी एच थ्री, ठीक है? एस्टर्स नॉर्मली कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम? एल्काइल एल्केनोएट्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है? एस्टर्स हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल एल्केनोएट, ओके? जैसे हमने ईथर किए थे ना, मिथाइल इथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है? तो वैसे ही एल्काइल एल्केनोएट.
अब दोनों एल्काइल ग्रुप हमने फाइंड करने हैं, दोनों तरफ सेम है तो क्या बन जाएगा? सो इट विल बी मिथाइल मिथानोल, ठीक है, इट विल बी मिथाइल मिथानोएट। नहीं, एक तरफ ये ज्यादा है ना, सीओ ग्रुप ज्यादा, इथानोएट बनेगा बेटा। ये वाला जो है ये एल्काइल ग्रुप यहाँ पर आएगा, और ये वाला जो सारा एल्काइल ग्रुप होता है ना ये इसको आएगा, ठीक है। ये वाला जो एल्काइल ग्रुप है ये इसको मिलेगा, और ये वाला जो सारा बाकी एल्काइल ग्रुप है ये इसको मिलेगा। सो यहाँ पर एक कार्बन है और यहाँ पर दो कार्बन है, ठीक है, तो वन एंड टू, सो इट विल बी इथानोएट। इसकी थोड़ी नॉमेनक्लेचर अलग है, ठीक है, एस्टर्स की नॉमेनक्लेचर थोड़ी अलग है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, इसका नाम बताओ। हाँ जी बेटा, इसका नाम बताइए। मिथाइल प्रोपेनोएट, दो और एक तीन, ठीक है, चलिए है? मिथाइल प्रोपेनोएट, एक तरफ मिथाइल ग्रुप है और ये बाकी प्रोपेनोएट ग्रुप है, ओके। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट लिखिए एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड, नेक्स्ट इज एसिड एनहाइड्राइड्स। यहां पर आपने एक ग्रुप अटैच करना है, डेट इज सी ओ आर, आर की जगह ये सारा ग्रुप अटैच करना, ओके। तो इसको मैं खोल के अगर लिखूंगी तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है जी, ओके। जैसे एसिड में एच था, एस्टर्स में आर आ गया, एसिड एनहाइड्राइड में क्या आ जाएगा? सी ओ आर आ जाएगा, और इसको हम खोल के लिखेंगे ऐसे। नाउ राइट डाउन द फर्स्ट नेम, दोनों तरफ हम लिखते हैं सी एच थ्री ग्रुप, दोनों तरफ हम लिखते हैं सी एच थ्री ग्रुप, सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री। सो राइट डाउन इट्स नेम, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड, दिस इज इथेनोइक एनहाइड्राइड। चाहे दोनों तरफ ग्रुप सेम है, हमने डाई वाली टर्म नहीं लिखनी है, सिंपल इथेनोइक एनहाइड्राइड लिख रहे हैं, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए विनय भैया, ये तो इथेनोइक रहेगा, ये 2+3 कितना बन गया? 3 बन गया, प्रोपेन बन गया, तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? राइट डाउन, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है जी। अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले लिखेंगे, अल्फाबेट में ई पहले आता है, सो इट विल बी इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है जी, क्लियर। और लिख लो एक, इसका लिख दो, इसका बताओ, वेरी गुड जैकलिन, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ओनली, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ आपके सेम ग्रुप है तो अकेला प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड आएगा, हो गया क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए कीटोन्स, कीटोन्स क्या फॉर्मूला होता है कीटोन्स का? आर सी ओ आर, ठीक है, आप टेंथ में भी पढ़ के आए हो,
और लास्ट में हम क्या वर्ड यूज करते हैं, ओन यूज करते हैं, ओ एन ई, राइट। तो राइट डाउन द फर्स्ट वन, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच थ्री, दिस इज प्रोपेनोन, वेरी गुड। सो दिस इज प्रोपेनोन, ओके। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट वन, और इसको हम क्या कहते हैं कॉमन नेम में, है एसीटोन कहते हैं, राइट। दिस इज एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन कहते हैं, और अगर आपने इसका कॉमन नेम लिखना है डेट विल बी डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है जी, ओके। नाउ राइट डाउन द सेकेंड वन, इसका बताइए अब इसकी नेमिंग देखो, जैसे हम ईथर्स और एस्टर्स की करके आए हैं ना, अब इसकी नेमिंग वैसे नहीं है। ईथर्स और एस्टर्स के दोनों साइड पे आप देखते हो ना कौन सा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, अब इसका आपने ऐसा नहीं देखना है, आपने अब ये पूरे के पूरे जो है वो काउंट करना है, ठीक है। यू हैव टू काउंट दिस सी ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ऑल्सो इन डेप्थ। तो अब ये दो तीन और चार वाली नेमिंग हो गई है, ठीक है। तो चार में हम इसको कैसे खोल के लिखेंगे, सी एच थ्री, सी डबल बॉन्ड ओ, सी एच टू, सी एच थ्री। अब किस तरफ से मैं नेमिंग करूंगी कि फंक्शनल ग्रुप को बहुत कम नंबर मिले, लेफ्ट साइड से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन टू ओन, ठीक है जी, इसका क्या नाम हो जाएगा, इट विल बी ब्यूटेन टू ओन। और कॉमन नेम बताओ, कॉमन नेम में आपने दोनों तरफ देखना है। अब इन द कॉमन नेम यू विल बी सीइंग द एल्काइल ग्रुप, जैसे यहाँ पे लिखा ना मैंने डाई मिथाइल की टोन, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम थे तो मैंने डाई मिथाइल कर दिया, अब दोनों डिफरेंट डिफरेंट है तो मैं कैसे नेमिंग करूंगी, इथर्स वाली नेमिंग कैसे कराई थी, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो इसका क्या नाम बन जाएगा, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है जी। एक और एग्जांपल लिख लो, चलिए राइट डाउन वन मोर एग्जांपल, इसकी नेमिंग करो और मुझे आंसर बताओ। तो रूल्स सारे आपको टिप्स पे होने चाहिए हर एक फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग के, ठीक है। हाँ जी, पेंटेन, वेरी गुड। तो दिस इज पेंटेन टू ओन, एंड कॉमन नेम बताइए बेटा, इतना इजी तो है, वहां पर डाइमिथाइल लिखा, इधर इथाइल मिथाइल लिखा, अब यहाँ पर दोनों एल्काइल ग्रुप्स कौन से हैं, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, ये कौन सा एल्काइल ग्रुप है, सारा गिनना है। प्रोपाइल हो गया, अल्फाबेटिकली पहले कौन सा आता है, मिथाइल आता है, तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है। तो क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल कीटोन, ठीक है जी। राइट डाउन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, राइट डाउन द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप,
अमीन्स। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। यहां से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप लगा देना, ठीक है? यहां से आपने एक हाइड्रोजन रिमूव कर देना है, उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा देना है, तो दैट इज गोइंग टू गिव यू अमीन्स, ठीक है? अब सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करते हैं। इफ आर इज CH3, ओके, तो ये हो गया मीथेन, ओके, तो इसका नाम क्या बन जाता है? मिथेनामाइन। तो इसका नाम क्या बन जाता है? मिथेनामाइन, ओके। मिथ सेम है, इन सेम है, ठीक है, सॉरी मिथेनामाइन सिंगल बॉन्ड है तो एन, एंड लास्ट में क्या आ जाएगा? अमाइन ग्रुप लगा देना आपने बस साथ में, मिथेनामाइन, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, इसकी नेमिंग कीजिए बेटा। प्रोपेन टू अमीन, ठीक है, राइट, प्रोपेन टू अमीन, ओके। सो कमिंग टू द नेक्स्ट इज नाइट्रो एल्केन्स, कमिंग टू द नेक्स्ट इज नाइट्रो एल्केन्स। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? व्हाट इज नाइट्रो ग्रुप? NO2 ग्रुप, ठीक है। तो अब ये NO2 ग्रुप जो है वो इसके साथ अटैच्ड है, राइट? तो जब हमने इसकी नेमिंग करनी है तो NO2 ग्रुप पहले मेंशन करना है, सो इट विल बी नाइट्रो मीथेन, ओके, इट विल बी नाइट्रो मीथेन, ओके। नेक्स्ट राइट डाउन, इसकी नेमिंग करो। बस आपने नाइट्रो ग्रुप पहले लगाना है और उसकी पोजीशन बतानी है, स्पेसिफाई करनी है। हाँ जी, टू नाइट्रो, आगे 1 2 3 4 ब्यूटी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। आगे लिखिए, जब नाइट्रो ग्रुप बन रहा है यू कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर जो कार्बन है और नाइट्रोजन का जो है वो बॉन्ड एस्टेब्लिश हो रहा है। कैन यू सी? मैंने कार्बन और नाइट्रोजन को डायरेक्टली यहाँ पे शो किया है, बट कई बार क्या होते हैं हमारे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें एक एटम की बजाय जो दो एटम्स हैं वो बॉन्डिंग कर सकते हैं कार्बन के साथ, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है, दिस ऑक्सीजन दैट इज एक्चुअली हैविंग द लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन ऑल्सो फॉर्म द बॉन्ड विद द कार्बन। तो जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है, जब ऐसा स्ट्रक्चर आएगा वेयर द बॉन्ड बिटवीन द ऑक्सीजन एंड द कार्बन इज देयर, सो दैट वी कॉल्ड एज एल्काइल नाइट्राइट्स, दैट वी कॉल्ड एज एल्काइल नाइट्राइट्स, ठीक है। तो हम नाइट्रो नहीं लिखेंगे, फिर हम इनको क्या कहते हैं? एल्काइल नाइट्राइट्स। सो राइट डाउन, so write down one example, so it is CH3ONO, हाँ जी, इसकी एग्जाम्पल बताओ, इसका आ जाएगा मीथाइल नाइट्राइट, दैट विल बी मीथाइल नाइट्राइट। देखो नेमिंग में फर्क पड़ गया, पहले हम नाइट्रो ग्रुप पहले स्पेसिफाई करते थे, अब यहाँ पर हमने पहले मिथाइल ग्रुप स्पेसिफाई किया, ठीक है। तो ऐसे आपने नेमिंग्स याद रखनी है सबकी। अब नेक्स्ट में बताओ,
इनके सिंपल ही हैं। हाँ जी बेटा, पोजीशन क्यों चेंज कर दी? क्योंकि NO2 में नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है, ऑक्सीजन भी बॉन्डिंग कर सकता है। तो जब मैं नाइट्रोजन की बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, डेट विल बी नाइट्रो ग्रुप। जब मैं ऑक्सीजन की बॉन्डिंग की बात कर रही हूँ, डेट इज नाइट्राइड। ठीक है, तो अभी हम ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ जो है वो कार्बन की बॉन्डिंग डिस्कस कर रहे हैं। अब इसका नाम बताइए बेटा। सो दिस इज, पहले नाइट्रो थोड़ी ना आना, पहले क्या लिखा हुआ मैंने, प्रोपाइल नाइट्राइड। ठीक है, लिखने में ऐसा आता है, बट दैट इज अंडरस्टूड कि कार्बन के साथ बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन में ऐसे जब आपको खोल के स्ट्रक्चर बताऊंगी तो ऐसे ही आएगा ना, जब खोल के स्ट्रक्चर लिखेंगे फिर तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना। ठीक है, दैट इज अंडरस्टूड कि हम यहाँ पर कार्बन की और ऑक्सीजन की बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हम क्लोज्ड स्ट्रक्चर लिख रहे हैं, ओपन स्ट्रक्चर नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली राइट डाउन, एक और चीज है, एक ऐसे ग्रुप्स हैं जो दो के साथ बॉन्डिंग शो करते हैं, एल्काइल एल्काइल साइनाइड्स। राइट डाउन एल्काइल साइनाइड दैट आर आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। दिस इज एल्काइल साइनाइड, या हम इनको कहते हैं एल्केन नाइट्राइल्स, या हम इनको क्या कहते हैं, एल्केन नाइट्राइल्स। अब इसमें भी दो तरह से बॉन्डिंग होती है, नाइट्रोजन भी बॉन्डिंग कर सकता है, कार्बन भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, सो राइट डाउन द फर्स्ट फॉर्मूला, जब हम आर ग्रुप को रिप्लेस कर रहे हैं बाय सी एच थ्री, इट्स नेम इज, राइट डाउन, इथेन नाइट्राइल। इसका नाम है इथेन नाइट्राइल। ओके, एंड राइट डाउन इट्स आईयूपीएसी नेम आल्सो। आईयूपीएसी नेम, सॉरी, कॉमन नेम क्या होगा इसका, मिथाइल साइनाइड। ठीक है, तो लिख सकते हो आप साथ में, इट्स कॉमन नेम इज मिथाइल साइनाइड। सिमिलरली अब इसका लिखिए, राइट डाउन दिस, सो दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, कॉमन नेम प्रोपाइल साइनाइड। ठीक है, आगे लिखिए, यहां पर अब मैंने कार्बन के साथ बॉन्डिंग शो की है, अब सेम बॉन्डिंग इट कैन बी शोन विद द नाइट्रोजन, सेम बॉन्डिंग इट कैन बी शोन विद द नाइट्रोजन, तो उस केस में ये बन जाते हैं आइसोसायनाइड। तो आपको कॉमनली डिफरेंस पूछ लेते हैं प्रैक्टिकल्स में भी कि साइनाइड और आइसोसायनाइड में क्या डिफरेंस है। तो साइनाइड में जो कार्बन की बॉन्डिंग है, ठीक है, वो कार्बन कार्बन की यहाँ पे बॉन्डिंग हो रही है, दैट फॉर्म द साइनाइड, बट आइसोसायनाइड्स में नाइट्रोजन की और एल्काइल ग्रुप की बॉन्डिंग हो रही है। ओके, ये वाला, इसमें कुछ नहीं बेटा, तीन लगा दिए ना, जैसे यहाँ पे दो था, यहाँ पे तीन लगा दिए, तो ये इथेन था वो प्रोपेन बन जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। ठीक है, और अगर आपने ऐसे लिखना है तो इट विल बी प्रोपाइल साइनाइड। ठीक है, ओके, आइसोसायनाइड और कार्बाइल अमीन्स भी लिखते हैं, और हम इनको क्या लिखते हैं, कार्बाइल अमीन्स, और हम इनको क्या लिखते हैं, कार्बाइल अमीन्स लिखते हैं। ओके, चलिए नेम बताओ, इसी का ही नाम बता दो, दोनों के अकॉर्डिंग बताना है, जैसे एल्काइल साइनाइड सा एल्काइल आइसोसायनाइड हो जाएगा, ठीक है, एल्केन नाइट्राइल सा तो एल्केन कार्बाइल हो जाएगा। ठीक है, कार्बाइल अमीन, बोलिए, सो दिस इज
मीथेन कार्बाइल अमीन, ठीक है. सो दिस इज मीथेन कार्बाइल अमीन. और आईयूपीएसी नेम? नहीं बेटा, एक ही काउंट करना है. वी विल बी काउंटिंग ओनली वन कार्बन, ठीक है. नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग है ना, वो कार्बन अब इन्वॉल्व नहीं है. वो कार्बन इन्वॉल्व नहीं है बॉन्डिंग में. कौन सा कार्बन इन्वॉल्व है? ये वाला कार्बन, ये वाला नाइट्रोजन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग, ठीक है. सो दिस इज मिथाइल कार्बाइल अमीन. और दूसरा नाम बताइए बेटा इसका, क्या लगाइए? हाँ जी बेटा, दूसरा नाम बताओ आइसोसायनाइड्स की टर्म्स में. कॉमन नेम दैट इज मिथाइल आइसोसायनाइड्स, ठीक है. मिथाइल आइसोसायनाइड, ठीक है जी. विद दिस योर फंक्शनल ग्रुप्स दे आर कंप्लीट नाउ, ठीक है. क्लियर है फंक्शनल ग्रुप्स सारे. अब हमने नेमिंग डिस्कस करनी है सारे फंक्शनल ग्रुप्स की, डबल सिंगल फंक्शनल ग्रुप सारे जो आ रहे हैं, ठीक है. तो पहले अभी हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे, राइट. आई एम गोइंग टू गिव यू सम फंक्शनल ग्रुप्स, सम कंपाउंड्स, उनकी हम नेमिंग स्टार्ट करेंगे. और रोज के रोज अगर आप इन फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ोगे डेली तभी ये याद होंगे, अदरवाइज नेमिंग नहीं होगी आपसे. सो राइट डाउन द वेरी फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप, द कंपाउंड CH3, CH2, CH3, 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 and here there is also one C. चलो start doing it. Simple दिया अभी बिल्कुल. लोएस्ट लोकेंट रूल का सेट देखना है पहले, किस तरफ कम नंबर्स बन रहे हैं, ओके. और आपने उधर से नेमिंग स्टार्ट करनी है. हाँ जी, 2, 2, 4. अगर आप 2, 4 बोल रहे हो और ट्राई भी बोल रहे हो साथ में, यानी कि तीन फंक्शनल ग्रुप्स होने चाहिए. 2, 2, 4 बोल रहे हो. हाँ जी सहज है. 2 डाइमिथाइल कैसे हो गया? पर लॉन्गेस्ट चेन देखनी है सबसे पहले, रूल्स के अकॉर्डिंग यही है ना. लॉन्गेस्ट चेन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. हर तरफ से 5 की बन रही है, सीधी चेन प्रेफर कर लो, ठीक है. जरूरी घूमना है, सीधी चेन प्रेफर कर लो. 1, 2, 3, 4, 5. इस तरफ से अगर मैं जा रही हूँ तो नंबर आ रहे हैं 2, 2, 4. इस तरफ से अगर मैं जा रही हूँ तो नंबर आ रहा है 2, 4, 4. Which set you will prefer? है 2, 2, 4 तो नेमिंग करो उसकी. तो डेट इज 2, 2, 4. आगे ट्राई मिथाइल कितने की चेन है? आपने सीधा लिखना, मेरे पास स्पेस नहीं थी. सो दैट इज 20, ठीक है. आगे लिखिए राइट डाउन द नेक्स्ट वन. So that is CH3, 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 CH2, CH3, CH2, CH3, CH, CH3.
चलिए बेटा इसकी करिए नेमिंग। हाँ जी बोलिए। दिस इज योर होमवर्क, घर से करके लाना ठीक है।